Hello everyone, welcome to my channel Keep It Simple But Significant. I am your host Sati. Let us start today's discussion. मेरा छाऊ चौकबा नामक त्यौहार सभी समुदायों में शांति और सौहार्द का बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मनाया जाता है? In which state is the festival called मेरा छाऊ चौकबा celebrated to promote peace and harmony among all the communities? तो ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है मणिपुर में. आंसर इज डी. निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2024 जीता है? Who among the following has won the United Nations Nansen Refugee Award 2024? तो इनका नाम है सिस्टर रोजिता मिलेसी. आंसर इज ए. भारत ने किस देश के साथ MQ-9B ड्रोन खरीदने के लिए समझौता किया है? इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू बाई MQ-9B ड्रोन. तो MQ-9B ड्रोन इंडिया बाई करने वाला है अमेरिका से. आंसर इज बी. और ये कुल 3.5 अरब डॉलर का होगा. अरब डॉलर. आंसर इज बी. हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण करने के लिए किसने अनुबंध हासिल किए हैं? हु हैज वॉन द कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस बिल्ट ट्रेन? तो किसने अनुबंध हासिल किया है? तो ये है BEML. आंसर इज ए. और BEML का फुल फॉर्म होता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड. इसकी स्थापना हुई थी 1964 में स्थापना हुई थी. और ये बुलेट ट्रेन जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 250 से 280 किलोमीटर प्रति घंटे की. सातवीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? वेयर विल द सेवेंथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली बी हेल्ड? तो ये होगी नई दिल्ली में. भारत मंडपम जो बना हुआ है वहाँ पे ये होने वाला है. आंसर इज डी. हाल ही में कैबिनेट ने 2025 से 26 के लिए रबी की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि की घोषणा की है. द कैबिनेट हैज अनाउंस्ड द हाईएस्ट इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ विच रबी क्रॉप फॉर 2025-26. तो कौन सी रबी क्रॉप है जिसके लिए ये घोषणा की गई है? तो ये आपकी रबी क्रॉप है कौन सी? ये है सरसों, मस्टर्ड. हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? विच प्लेस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर? तो सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर बनाया गया है काजीरंगा को. ये आपको देखने को मिलता है असम में. और ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट है. फर्स्ट लार्जेस्ट आपका था नामदफा में. और नामदफा आपको मिलता है अरुणाचल प्रदेश में देखने को लिए. अरुणाचल प्रदेश में ये होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाल ही में मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया 2024? तो मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है निकिता पोरवाल ने. आंसर इज ए. और ये एमपी के उज्जैन की निवासी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च यूरोप टॉप 3? यूरोप टॉप 3 को लॉन्च करने वाला है कौन सी स्पेस एजेंसी? तो ये हमारी इसरो है जो लॉन्च करने वाली है. और ये लॉन्च होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अगले 91 चीफ जस्टिस कौन होंगे? हु विल बी द नेक्स्ट 51st चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना. आंसर इज बी. USA, Japan and South Korea will soon make a new team to monitor sanction on. तो USA, Japan, South Korea ने new team बनाई है monitor करने के लिए sanction किस देश पर? तो ये है North Korea. Answer is C. Where did Defense Minister Rajnath Singh lay the foundation stone of the second naval radar station? Second naval radar station का foundation रखा है राजनाथ सिंह जी ने कहाँ पे? तेलंगाना में. हाल ही में न्याय की देवी की नई मूर्ति कहाँ लगाई गई है? वेयर हैज द न्यू स्टैचू ऑफ द गॉडेस ऑफ जस्टिस बीन इंस्टॉल्ड रिसेंटली? तो ये लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट. इस बार इनके जैसे पहले आंखों में पट्टी होती थी, इस बार आंखों में पट्टी नहीं है.
और पहले हाथों में तलवार होती थी और इस बार संविधान की किताब को पकड़ाया गया है। हाल ही में स्वास्थ्य, कृषि और संग्रहणीय शहरों पर केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? Where will the AI Center of Excellence focused on health, agriculture and sustainable cities be established? तो ये establish होगा एम्स दिल्ली में, IIT कानपुर में, IIT रोपड़ में, हर जगह पे। So the answer is D, all of the above. हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? Who has become the 11th Chief Minister of हरियाणा? तो इनका नाम है नायब सिंह सैनी। हरियाणा में कुल जो सीट है असेंबली की वो है 90, और 90 में से 48 सीट बीजेपी ने जीतकर बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? Who has become the Deputy Chief Minister of जम्मू एंड कश्मीर? तो Deputy Chief Minister जम्मू कश्मीर के बने हैं सुरिंदर चौधरी। आंसर इज डी। ओरछा किस राज्य में है जिसके संकलित दस्तावेजों को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में मंजूरी दे दी है? ओरछा इज इन विच स्टेट हुज कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? तो ये ओरछा जो राज्य है, ओरछा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। आंसर इज डी। किस बैंक ने सिंगापुर में पहली शाखा खोली है? विच बैंक हैज ओपन्ड इट्स फर्स्ट ब्रांच इन सिंगापुर? तो सिंगापुर में पहली शाखा खोली है HDFC बैंक ने। आंसर इज ए। गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा किसी नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो इनका नाम है प्रवीण वशिष्ठ। आंसर इज डी। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में स्थित काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? What has been renamed as काक्सर ब्रिज इन लद्दाख by इंडियन आर्मी? तो ये नाम रखा गया है अमित कुमार भारद्वाज सेतु। आंसर इज सी। ओके, अमित कुमार भारद्वाज सेतु रखा गया है और ये लद्दाख में है और इंडियन आर्मी के द्वारा इसको रखा गया है नाम बदला। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.